रोड बनाने का मिस्त्री का काम जो है वो करते हैं, ताकि आग में खेल रहे हैं, समझो आग में ही खेल रहे हैं, ऊपर ऊपर वाले की धूप, नीचे वाले की धूप, काम तो करते ही हैं, बगैर काम किए हुए कहाँ से गुजारा होगा। इस तरह से उत्तर भारत में इस साल लगातार 40 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2024 में हीट वेव के कारण 110 लोग मारे गए। इस भीषण गर्मी का असर सबसे ज़्यादा देश के गरीब मजदूर वर्ग पर पड़ता है, ऐसा कई रिपोर्ट्स दावा करती है, खासकर ऐसे मजदूर जो इस गर्मी में रास्ता बनाने का काम करते हैं। गर्मी की परेशानी है, हम लोग का काम भी गर्म का है, गर्मी में दिक्कत होता ही है, ये काम में जो है गर्मी में बहुत दिक्कत होता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI कहता है कि 2023-24 में हर रोज़ 33 किलोमीटर का हाईवे बना, लेकिन देश की इस तरक्की में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले मजदूरों की हालत कैसी है, यही देखने हम पहुँचे नोएडा फ्लाईओवर पर। यहाँ पर पिछले 2 महीनों से फ्लाईओवर की मरम्मत के काम के लिए 100 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। ये मजदूर वही फ्लाईओवर पर अपना गुजर बसर करते हैं। इस गर्मी में नोएडा फ्लाईओवर पर काम कर रहे इन मजदूरों का क्या अनुभव रहा, आइए जानते हैं। यहाँ पे अभी इस वक्त जो इस साइड पे ऐसे ऐसे साइड 12 साइड था, 12 जगह चल रहा था काम, तो कुल मिला के 120 आदमी था, 120 का 150 आदमी था। अब हर जगह काम ख़त्म हो चुका है, अब यहीं पे हम लोग बचे हुए थे, आज भर ख़त्म हो जाएगा, कल हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग और दूसरी साइड पे जाएंगे, दूसरी जगह काम करेंगे। इस तरह से होता है, तकलीफ तो बहुत होता है मैडम। हम लोग यहाँ से खाना बना के सुबह शाम को तो नाइट में काम करते हैं, नाइट में काम करने के बाद सुबह जो है छुट्टी होता है, फिर खाना वाना बना के वो पार्क में जाते हैं सोने के लिए, नीचे पुल के नीचे पार्क है, वहाँ पार्क में जाते हैं सोने के लिए, फिर वहाँ पे ऐसे आते हैं शाम को, फिर बनाते खाते हैं। इस तरह से गर्मी तो लगता है, बुरा हाल हो जाता है, गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन भाई बंद को अगर कोई अफसर आते हैं तो कोई पानी दे आते हैं, कोई जूस दे आते हैं, कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक इस तरह से दे आते हैं। मिट्टी तेल पर चलता है डीजल पर सारा मशीन, आग जलती है, हम लोग भी गर्म में आग में माल फैलाते हैं, माल तैयार होने के बाद हम लोग भी गर्म में रहते हैं। गर्मी तो है कुछ ज़्यादा, उसके लिए क्या व्यवस्था की है आपने? कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास, क्या व्यवस्था है, आप देखिए नज़र के सामने, कोई व्यवस्था नहीं है। वो इसी गाड़ी में रहना है, गाड़ी में काम करना है, बनाना खाना, रहना खाना अपने हाथ बनाते हैं, खाते हैं, यहाँ सब है के रखा हुआ खाना, अपने ही पैसा से लाते, किन के बनाते खाते हैं। इधर ही ब्रिज पर ही, ब्रिज पर ही पुल पर ही बनाते, पुल में बनाते, पुल में खाते रहते हैं, ताकि आग में खेल रहे हैं, समझो आग में ही खेल रहे हैं, ऊपर ऊपर वाले की धूप, नीचे वाले की धूप, काम तो करते ही हैं, बगैर काम किए हुए कहाँ से गुजारा होगा। इस तरह से हीट वेव का सामना करना सभी के लिए चुनौती भरा होता है, लेकिन नैसर्गिक रूप से इसका असर ऐसे लोगों पर ज़्यादा होता है जो धूप में काम करते हैं। DW की मिदहत फातिमा की रिपोर्ट कहती है कि हीट वेव का असर सबसे ज़्यादा दलितों पर होता है, क्योंकि वे अमूमन ऐसे कामों में दिखाई देते हैं जिनमें बाहर धूप में रहना अनिवार्य होता है। नोएडा में मिले ये मजदूर बिहार से आते हैं, वे अपना घर बार छोड़कर 500 से 700 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी के लिए ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहने मजबूर हैं। इसमें सब आदमी को सब तरह का मजदूरी है, किसी का 500 भी है, किसी का 700 भी है, किसी का 900 भी है, इस तरह से दिहाड़ी, जो जैसा काम करते हैं उसको उस तरह से दिहाड़ी मिलता है। बिहार में तो है नहीं कुछ, बाढ़ एरिया है, बाढ़ उड़ बहुत आता है, पानी उनी है, जंगलात एरिया है, कुछ कंपनी उनी हम लोग इधर नहीं है, आना ही पड़ता है दिल्ली शहर में। मैं देख रहा हूँ अभी के इतना खतरनाक सा है, आपको डर नहीं लगता है यहाँ पर सोने के लिए? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, मैं खुद डर गया, अभी बताइए, रहना पड़ता है। बिहार के अंदर जो है कोई फैक्ट्री नहीं है, जब लालू का राज हुआ था तब भी उस समय भी नहीं था, नीतीश के राज हुआ तब भी नहीं था, फैक्ट्री रहेगा जब तो काम मिलेगा, गरीबी है,
इसलिए प्रदेश आता है कमाने के लिए, कोई दिल्ली आता है, कोई नोएडा आता है, कोई पंजाब जाता है, कोई बम्बई जाता है, बाहर कमाता है, तब बच्चे को पालता है, इस तरह से गुजारा करता है। उनका कहना है कि वो ये काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि गांव में कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है। हमारी उम्र है 52 साल, सन 88 से हम यही काम कर रहे हैं, 16 रुपये की मजदूरी से, मात्र 16 रुपये, आज 900 रुपये कमा रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।